हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीरा का तड़का। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ सांभर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और सांभर मसाला घर पे कैसे बनाते हैं वो भी बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सांभर बनाने के लिए हमें तूर दाल को बॉईल करना है, इमली का पल्प रेडी करना है और जो सांभर मसाला हम बनाएंगे तो स्पाइसेस को उसे ड्राई रोस्ट करना है और थोड़ी सब्जियों को कट और चॉप करके रखना है। प्रोसीजर कम करने के लिए मैंने दाल को ऑलरेडी बॉईल करके रखा है और इमली का पल्प भी रेडी करके रखा है। सब्जियां भी मैंने काट के रखी है। सिर्फ हमें अभी ड्राई मसाला जो सांभर का हम बनाएंगे उसकी पहले तैयारी करते हैं। सांभर मसाला बनाने के लिए हमें एक पैन को गर्म करना है। उसमें 5 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून तूर दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, सबको सौटे करना है। 12 ड्राई रेड चिली और थोड़े से कड़ी पत्ते को ऐड करके जब तक मसाला गोल्डन ब्राउन और उसकी अरोमा आने लगे तब तक हमें उसे सेकना है। लास्टली गैस टर्न ऑफ करके उसमें हमें 1/2 कप फ्रेश कोकोनट ऐड करना है। मसाला अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। मसाले को एक बाउल में निकाल के ठंडा करने के लिए रखते हैं। ड्राई मसाला अपना ठंडा हो चुका है। रेड ड्राई चिली जो यूज की है उसकी मैं डंठल निकाल रही हूँ। अब हमें इसे मिक्सी में अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म करना है। सांभर पाउडर मसाला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि घर के इंग्रेडिएंट से ही सांभर मसाला इतना जल्दी से बन जाता है। सांभर मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम सांभर की तैयारी करेंगे। सांभर बनाने के लिए पहले एक कढ़ाई को गर्म करते हैं। उसमें 1.5 चम्मच ऑयल डालते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून मेथी के दाने डालते हैं। जैसे ही वो स्प्लटर हो जाते हैं 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को ऐड करके सौटे करते हैं। 2 टेबलस्पून शैलेट्स जो छोटे प्याज होते हैं सांभर के लिए जो हम यूज करते हैं और 3 टेबलस्पून रेगुलर प्याज को हमें ऐड करना है और अच्छी तरह से सौटे करना है। आधा कप पम्पकिन मतलब भोपला और 8 स्टिक ड्रमस्टिक की ऐड करनी है। दोनों सब्जी कच्ची है मतलब रॉ ही है और 2 से 3 ग्रीन चिली स्लिट की हुई और थोड़े से कड़ी पत्ते वो भी ऐड करने हैं और उसे अच्छी तरह से उबाल देना है थोड़ा सा पानी डालकर। 1/4 कप इमली का पानी जो पल्प हमने रेडी किया है उसे ऐड करना है और उसे भी बॉईल करना है साथ में। जैसे ही पानी इमली का पानी बॉईल हो जाता है जो हमने सांभर पाउडर तैयार किया है वो डालना है और सौटे करना है और अराउंड 3 से 4 ग्लास बड़े पानी के डालने और अच्छी तरह से उबाल देना है। 1/4 कप दाल उबली हुई तूर की उसे भी ऐड करना है और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है। 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से उबालना है। और सब्जियां अच्छी तरह से गल चुकी हैं। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। सांभर की अरोमा बहुत ही अच्छी आ रही है। सांभर अपना रेडी हो चुका है। सांभर बनाने के लिए आज मैंने 3 ही वेजिटेबल्स यूज किए। ऑनियन है छोटे वाले और रेगुलर ऑनियन, ड्रमस्टिक है और पम्पकिन। आप इसमें लौकी, भिंडी, पेटा, बैंगन सब ऐड कर सकते हैं। सांभर को कम से कम 15 से 20 मिनट तक उबालना है ताकि सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सब्जियां टेंडर हो जाए। सांभर रेडी हो चुका है। सिर्फ हमें पानी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी पड़ेगी। इतनी अच्छी अरोमा आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप इसे इडली, उपमा, डोसा या चावल के साथ खा सकते हैं।
और सिंपल रेसिपी सीखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।